मुलाकात हुई है, क्या बातचीत जो है इस मुलाकात में हुई है? देखिए, हमारे तीन पावर प्रोजेक्ट्स हैं, सुन्नी, लूरी, धुलासी। उसमें री पावर वेल्टी की बात थी। जो MOU हुआ था पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय, उसमें फ्री पावर जो 12% थी उसको आगे बढ़ा दिया था। 4% देते थे पहले 12 से 30 साल में 8% और 30 से 40 साल में 12%। उस मामले को मैंने माननीय पावर मिनिस्टर के सामने उठाया और उनसे अनुरोध किया कि जो हमारी नई पावर पॉलिसी है उसके आधार पर आप ये हमारे जो पावर प्रोजेक्ट्स हैं उस पर कंसिडरेशन कीजिए, विचार विमर्श कीजिए। तो पॉजिटिव जवाब मिला। 12% की जो फ्री रॉयल्टी है उस पर तो बातचीत आगे बढ़ेगी और अधिकारियों की उससे पहले 20 जनवरी से पहले एक बैठक होगी। उसके बाद क्या निकलता है क्योंकि अधिकारियों के बैठ कर गुना भाग कैलकुलेशन करने के बाद ही आगे बढ़ जाएगी। नहीं, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से हमने बात की और जो हमारा कांगड़ा का दुग्गल एयरपोर्ट है जो धर्मशाला में है उस एयरपोर्ट को एक्सपेंशन की बात है और उस एयरपोर्ट में हमारे जो लैंड एक्विजिशंस है जो हमने करनी है और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया उसको बनाएगी, इस संदर्भ में बात हुई। उन्होंने हमारी बात को स्वीकार किया और कहा कि लैंड एक्विजिशन अगर हमारी सरकार करती है तो उसके बाद बनाने का जिम्मा हमारा है। और प्रदेश में कनेक्टिविटी कैसे बने, चारों हेलीपोर्ट्स की दिशा में भी हमारी बात हुई। हमने कहा कि हमने पवन हंस को DPR बनाने के लिए बोला है और मुझे और चार जो हमारे हेलीपोर्ट बनने हैं और टोटल हर एक डिस्ट्रिक्ट को हेलीपोर्ट से जोड़ने की योजना है। इस संदर्भ में जब बात हुई तो उन्होंने उसका बोला कि मैं इसका आपको जल्दी ही इसका समाधान दूँ कर दूँगा। धन्यवाद।